everyone and welcome to Saini Academy. So last video में हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 किया था. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2. So let's move to क्वेश्चन नंबर 2 of 1.1. So क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है show that करके दिखाओ any कोई पॉजिटिव इट मीन्स प्लस और वो नंबर जो 2 के टेबल में ना आए या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो. इंटीजर वो नंबर जो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q+1 6q+3 या 6q+5 फॉर्म में हो, जिसमें q एक कोई इंटीजर हो. q कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव ऑड इवन कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. हम मानेंगे लेट n इज एन इंटीजर कि n एक कोई भी एक इंटीजर है. n इज अ पॉजिटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला है ना, n इज पॉजिटिव इंटीजर कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, n को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना. अब वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, बट होगा वो पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब प्लस जो नेगेटिव ना हो. ठीक है, सो अब हमें पता, अब हम n की वैल्यूज मानेंगे. n की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5. अब हमें पता है अगर हम नंबर्स लिखते हैं, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं. अगर उनमें 1 ऐड करें तो दूसरा नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक के बाद ही दूसरा है. ऐसे ही 6q में अगर हमने 1 ऐड किया, अब हमने 6q में +1 में 1 ऐड किया तो 6q + 2 बन गया. इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा. तो ये सारे हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए. अब ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है. अब देखो जो 1 है वो एक ऑड नंबर है, ऑड के बाद इवन नंबर आया. 3 ऑड है तो ये इवन आया. ऐसे ही 5 ऑड है, 5 के बाद जो भी नंबर आएगा वो इवन आएगा. ऐसे ही अगर हमें 6q + 1 को ऑड प्रूव करना है, इसका मतलब 6q + 1 के जो आगे नंबर है और जो पीछे नंबर है ये दोनों इवन नंबर होंगे. सो अगर हमें इसको ऑड प्रूव करना है तो इनको भी इवन बताना पड़ेगा. सो अगर हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले हमने n को 6q माना. सो हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू 6q. अब हम 6q को 2 मल्टीप्लाई बाय 6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आएगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3q. अगर हम 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑड हो या पॉजिटिव हो, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा जो आंसर है वो ऑलवेज इवन आता है. सो अगर 2 को हमने 3q से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा इवन आएगा. ऐसे ही अब हम नेक्स्ट लेंगे 6q + 1. 6q को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3q लिखा था जो कि इवन है +1. अब हमने बोला है 2 मल्टीप्लाई बाय जो 3q है ये तो इवन है, सो इसको लिख दिया इवन +1. अगर मैं किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करती हूँ, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो सो आंसर हमेशा ऑड होता है. इवन मान लो 2, अगर हमने 2 में 1 ऐड किया या 6 में 1 ऐड किया तो 7 आएगा. 7 इज एन ऑड नंबर तो ऑड आएगा. तो हमने बता दिया कि 6q + 1 जो है ऑड है. नेक्स्ट हमने नंबर 6q + 1 के बाद क्या माना है, 6q + 2. अब हम इसको लेंगे 6q की प्लेस पे हम वही लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3q + 1. ये हमारा इवन है, इवन प्लस यहाँ पे आएगा 2 है ना, तो 2. इवन में अगर हम 2 प्लस करें, इवन मान लो 4 में अगर हमने 2 प्लस किया तो आएगा 6. सो 6 हमारा इवन नंबर है. इवन में अगर हम कोई भी इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमारा इवन ही आएगा. नेक्स्ट हमारा है 6q + 3. इसको हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 3q + 3. ये हमारा इवन है. अगर हम इवन में 3 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा. ऐसे ही 6q + 3 के बाद हमने 6q + 4 माना था, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 6q + 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3q + 4. ये इवन है. इवन में अगर कोई भी इवन नंबर ऐड होता है तो आंसर हमारा ऑड आता है, इवन आता है. इवन में इवन ऐड होगा तो आंसर हमारा इवन आएगा. नेक्स्ट हमने लिया है 6q + 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3q + 5। ये हमारा इवन है। इवन में अब हम 5 ऐड करेंगे, सो हमारा क्या आएगा ऑड। सो इवन में हमने 5 ऐड किया तो हमें ऑड मिल गया। तो इससे हमें पता लग गया, हमें बोला था क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5 को ऑड प्रूव करना है, जो हमने कर दिया। सो एंड में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 इज इक्वल टू ऑड, क्योंकि ये सारे नंबर्स ऑड इंटीजर्स हैं, where q इज सम इंटीजर, जिसमें q जो है हमने स्टार्टिंग में हमने q लिखा था ना, q इज एन इंटीजर, तो q इज अ सम इंटीजर। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।